नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 फरवरी। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पटना ने निकाली रिक्तियां। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पटना ने लैब तकनीशियन के 222 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10वीं 12वीं डीएमएलटी बीएमएलटी की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 1 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर कर ले सकते हैं। अब धान के कटोरे से छलकेगा हरा सोना। रोहतास जिले को धान का कटोरा नाम से जाना जाता है, जिसके बाद अब इस धान के कटोरे से हरा सोना भी देखने को मिलने वाला है। इस बाबत यहां के किसान धान की खेती के अलावा नकदी फसल के रूप में शिमला मिर्च की खेती करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, सासाराम प्रखंड के आकाशी गांव के किसान मनोज कुमार कुछ नया करने की कोशिश में जुट गए थे, जिसके तहत ही उन्होंने अपने खेत में शिमला मिर्च की नर्सरी पॉली नेट हाउस में किया है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि अगर मैं इसमें सफल हो गया तो फिर शिमला मिर्च की खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार के पारंपरिक खेती से हटकर औषधीय खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन और प्रशिक्षित करने की योजना शुरू की गई है। नल जल योजना के तहत लापरवाह निर्माण एजेंसी पर सख्ती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने महत्वाकांक्षी नल जल योजना को लेकर पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसको लेकर वो नरमी दिखाने के मूड में भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके तहत मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना पार्ट 2 के तहत वार्ड में योजना का लाभ लेने वाले लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी पीएचईडी के अधिकारियों को दी गई है। जो मुख्यालय स्तर के हैं, काम पूरा नहीं करने वाले हैं या काम में लापरवाही करने वाले एजेंसीज को चिन्हित कर काली सूची में डालने का काम भी किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा राजद। बिहार के बाद अब राजद पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार उतारने वाली है, जिसके तहत राजद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बिहार में अपने सहयोगी वामदलों और भाजपा के टक्कर में मानी जाने वाली तृणमूल में किसी एक को चुनने की चुनौतियों का सामना कर रही है। राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नेताओं ने इन पार्टियों से कई दौरे की बातचीत भी की है, हालांकि अब तक उसका कोई चुनावी साझेदारी नहीं बन सका है। वहीं भाजपा को हराने के लिए संभवत 5 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने की पहल शुरू करने वाला है। जानकारों की माने तो राजद उन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जरूर उतारेगा जहां भाजपा का खेल खराब कर सके। बिहार में 150 करोड़ तक पहुंचा स्टार्टअप का कारोबार। बिहार में लगभग 115 स्टार्टअप का कारोबार चल रहा है। इनमें से कई स्टार्टअप राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा रहे हैं। इनका लगभग 150 करोड़ का कारोबार है। इसके जरिए 2000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। आपको बता दें, बिहार में 2016 में स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी। पहले इंक्यूबेशन वेंचर पार्क बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने खोला। इसके बाद राज्य सरकार 2017 में बिहार स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आई थी। इसके बाद से ही सरकार ने 10 लाख रुपए तक ब्याज रहित अनुदान की व्यवस्था शुरू की। जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 1476 निबंधित स्टार्टअप हैं, जबकि सरकार के पास 1800 से अधिक आवेदन आए हैं। बिहार में अब बीपीएससी के जरिए होगी एचओडी और एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति। साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में विभागाध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर आदि की नियुक्ति बीपीएससी के जरिए की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये नियुक्तियां केवल इंटरव्यू के जरिए करवाई जानी है। इसको लेकर प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में लगभग 4000 तक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव गया हुआ है। उन्होंने इस बाबत बताया कि जल्द ही प्रदेश के प्रत्येक पॉलिटेक्निक को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कॉलेज के अतिथि शिक्षकों का अधिकतम मासिक मानदेय भी 50,000 रहने की बात कही गई है। बिहार के हाई स्कूल के शिक्षकों को एक बार ही मिलेगा अध्ययन अवकाश। बिहार के हाई स्कूल और इंटर स्कूल के शिक्षकों को एक बार ही अध्ययन अवकाश मिलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार हाई स्कूल और इंटर स्कूल के शिक्षकों को अध्ययन अवकाश पूरे सेवाकाल में केवल एक बार और एक ही योग्यता में इजाफे के लिए दिया जाएगा। हालांकि इस मुद्दे पर यह भी साफ कर दिया गया है कि अध्ययन अवकाश उन शिक्षकों को नहीं दिया जाएगा जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो और वो निलंबित हुए हो। इतना ही नहीं, अध्ययन अवकाश के लिए शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवा कम से कम 3 साल जरूर होनी चाहिए, साथ ही उनके प्रमाण पत्र जांच में वैध पाए गए हो।
अधिक संक्रमण वाले क्षेत्र में बनाए जाएंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन। बिहार में भले ही कोरोना प्रभावितों की संख्या कम हो रही हो, मगर अभी भी खतरा टला नहीं है, जो इसके बाद ही लगातार लोगों से अभी भी तमाम तरह के नियमों का पालन करने की गुजारिश की जा रही है। इतना ही नहीं, कोरोना से प्रभावित इलाके में अधिक सतर्कता बरतने की बात भी कही गई है, जिसके तहत गृह विभाग ने हाल ही में नया आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 मामले में सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश के बाद राज्य के गृह विभाग ने नया संयुक्त आदेश जारी किया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुभानी और डीजीपी एस के सिंघल के संयुक्त आदेश के मुताबिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन यानी कि अधिक संक्रमण वाले इलाके में फिर से सीमित अवधि का लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया गया है। एजेंसी को सौंपा गया पटना मेट्रो का काम। पटना मेट्रो का काम जोर शोर से चल रहा है। एजेंसी से रिपोर्ट मिलने के साथ ही जमीन अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। पटना मेट्रो के डिपो के निर्माण के लिए 71 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। इसको लेकर न्यू आईएसबीटी के सामने मसौढ़ी गया रोड के पूरब पहाड़ीपुर और रानीपुर मौजा की जमीन चिन्हित की गई है। जिला प्रशासन ने जमीन का सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन करने के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी का टेंडर के माध्यम से चयन करने का काम सौंप दिया है। इसके साथ ही अब 60 दिनों के अंदर किसानों से दावा आपत्ति लिया जाना है। इसके बाद ही किसानों को मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। बिहार में 13 फरवरी तक मिल जाएगी आवास योजना की पहली किश्त। डीडीसी की तरफ से हाल ही में सभी बीडीओ को भेजे गए पत्र के अनुसार बिहार में 13 फरवरी तक आवास योजना की पहली किस्त पहुंचा दी जाएगी। खबरों की माने तो स्वीकृति प्राप्त लाभुकों के खाते में आवास योजना की पहली किस्त ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया है। 30 दिसंबर 2020 तक पहली किस्त की राशि प्राप्त कर चुके लाभुकों के आवास को विशेष अभियान चलाकर 30 मार्च तक पूरा कराया जाना है। ग्रामीण आवास सहायक द्वारा वास स्थल विहीन लाभुक, अस्थायी पलायित लाभुक और अन्य कारणों से स्वीकृत लंबित रहने वाले लाभुकों का सत्यापन करा लेना है और इसकी रिपोर्ट 13 फरवरी तक देनी है। राज्य स्तरीय विशेष दल द्वारा इसकी जांच की जाएगी। बिहार में 1 मार्च से लॉन्च होगा एम पासपोर्ट ऐप। बिहार में अब विमान से सफर करने वाले यात्रियों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके तहत पासपोर्ट वेरिफिकेशन के काम को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही बिहार में एम पासपोर्ट ऐप लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। इससे पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए सभी जिलों में दरोगा, डीएसपी और एएसपी को प्रशिक्षित किया जा चुका है। 8 फरवरी को प्रशिक्षण का काम खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, इसको लेकर सभी थानों में एक एक टैबलेट भी दिए जा चुके हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीण मोहन सहाय ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि राज्य के थानों में 1350 टैबलेट बांटने का काम चल रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन में कम से कम 21 दिन का समय लग जाता है, मगर इस ऐप के आ जाने से 10 दिन से भी कम समय में वेरिफिकेशन का काम हो जाएगा। मधेपुरा के महर्षि मेही अवतरण भूमि में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भव्य सत्संग आश्रम इस जिले का मुख्य आकर्षण केंद्र है। संत शिशु सूरज के द्वारा इस आश्रम का निर्माण कराया गया था। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को हर साल इस आश्रम में धूमधाम से सत्संग कराया जाता है। बाबा शिशु राउत पचरासी धाम यह मधेपुरा के चौसा प्रखंड में स्थित है। लोक देवता बाबा विशु राउत पचरासी धाम का भव्य मेले का आयोजन हर साल 13 अप्रैल से आरंभ होता है। यह परंपरा 200 वर्षों से चली आ रही है। इस आयोजन में बिहार के सीएम भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन भी कर चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पैदल चलकर मन्नतें मांगते हैं। इस आयोजन में लोगों का सैलाब उमड़ता है। अब एक क्लिक में पाएं रोजगार। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अब सरकार ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत बिहार में कई विभागों में रोजगार सृजन और रिक्तियों को भरने का काम शुरू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब युवाओं की मदद के लिए श्रम संसाधन विभाग की तरफ से एक ऐप का निर्माण भी करवाया जाएगा। इससे राज्य के युवाओं को तो सहूलियत मिलेगी, पूरे देश में नौकरियों की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इतना ही नहीं, अब पोर्टल और ऐप के माध्यम से समय समय पर रोजगार की जानकारी भी साझा की जाएगी। इसके साथ ही बिहार सरकार ने बेरोजगारों का डेटाबेस तैयार करने की बात कही है, जिसकी पुष्टि श्रम संसाधन मंत्री निवेश मिश्र ने की है। इतना ही नहीं, इस ऐप के आ जाने से अब एक क्लिक में युवाओं को नौकरी मिलना भी संभव हो पाएगा। महाबोधि मंदिर में अब नहीं ले पाएंगे सेल्फी और वीडियोस। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब मंदिर परिसर के अंदर बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी ने अपना आदेश जारी करते हुए महाबोधि मंदिर परिसर में लाइव वीडियो, फेसबुक लाइव और फोटोग्राफी पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, अब बिना अधिकृत पास के किसी भी व्यक्ति को मंदिर परिसर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही अब श्रद्धालुओं के परिसर में लाइव वीडियोस और फेसबुक लाइव करने पर भी रोक लगा दी गई है, जिसके बाद अगर बीटीएमसी की अनुमति के बिना कोई भी श्रद्धालु या सैलानी वीडियो बनाता पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी।
सोनाचूर चावल को बनाया जाएगा बक्सर की पहचान। बक्सर में सोनाचूर चावल को पहचान दिलाने पर सोच विचार किया जा रहा है। धान का कटोरा नाम से मशहूर शाहबाद क्षेत्र में बक्सर जिला को सोनाचूर चावल के उत्पादन से पहचान को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस पहचान को लेकर आत्मा के निदेशक राजेश प्रताप सिंह ने भी अपनी तरफ से पहल की शुरुआत कर दी है, जिसको देखते हुए FPO के माध्यम से बाजारीकरण को लेकर कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके लिए अब किसानों को जोड़ने के लिए भी FPO का निर्माण करने की तैयारी हो रही है। अगर यह सफल हुआ तो सोनाचूर चावल को ग्लोबल रूप में बाजारीकरण कर बक्सर को अलग पहचान भी दी जा सकती है। पटना जू के बाहर खुलेगा बम्बो रेस्टोरेंट। पटना जू के बाहर अब लोगों को दिन के साथ साथ रात में भी खाने की व्यवस्था मिलने वाली है, जिसके तहत जल्द ही पटना जू के गेट नंबर 1 के बाहर वाहन पार्किंग परिसर में एक खूबसूरत बम्बो रेस्टोरेंट खुलने जा रहा है, जिसके बाद लोग दिन के अलावा रात के 9 बजे तक लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। इसको लेकर जू प्रशासन ने योजना बनानी शुरू कर दी है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को इसका प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। स्वीकृति मिलते ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसके बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस रेस्टोरेंट को खोल दिया जाएगा, जिसके बाद जू आने वाले दर्शकों के लिए भी खानपान का बेहतर ठिकाना होगा, जिसके बाद जू घूमने के बाद घूमने आए पर्यटक परिवार वालों के साथ खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। 15 फरवरी के बाद ही अब साफ होगा मौसम। बिहार के मौसम का मिजाज अब जल्द ही बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती हवाओं के परिक्षेत्र और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की वजह से उत्तर बिहार के 19 जिलों में तापमान स्थिर नजर आने वाला है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने कुछ स्थान पर बादल छाने के आसार भी जताए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आज बिहार के कई जिलों में बादल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अब मौसम में सुधार 15 फरवरी के बाद ही होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद ही अब तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी भी धूप निकलने के कारण जहां दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, वहीं रात को ठंड भी अब लोगों को महसूस होने लगी है। मंगल पांडे ने राजद को बंगाल असम में दहाई अंक से वोट नहीं मिलने की कही बात। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में सियासी जमीन खिसकने के बाद राजद के नौसिखुआ युवा नेता अब बंगाल और असम में चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने एक मुहावरे का भी सहारा लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। मंगल पांडे इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए आगे कहा कि बिहार में इनकी पार्टी संभल नहीं रही है, इसलिए रही सही प्रतिष्ठा अब बंगाल और असम में गंवाने की कवायद कर रहे हैं। इंस्पेक्टर और 8 दरोगा समेत 21 पुलिस वालों की हुई प्रतिनियुक्ति। पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में कई पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत पुलिस मुख्यालय IG ने 2 इंस्पेक्टर और 8 दरोगा समेत 21 पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। इन सभी पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय और बक्सर जिले के डुमराव स्थित BMP ट्रेनिंग सेंटर में की गई है। ये सभी अधिकारी नए सिपाहियों को ट्रेनिंग देंगे। पुलिस मुख्यालय के महानिरीक्षक की तरफ से जारी पत्र के अनुसार इन पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति 6 महीने के लिए की जा रही है। कुछ दिनों पहले नगर स्थित सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय और डुमराव स्थित BMP ट्रेनिंग सेंटर के लिए अन्यथा और बाह्य विषयों के प्रशिक्षकों के लिए प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है, जिसके तहत 1922 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा आज के दिन की गई थी। गांधी जी ने 1928 में बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा आज के दिन की थी। भारत ने 12 फरवरी 1975 को खुद को चेचक मुक्त राष्ट्र घोषित आज के दिन किया था। बिहार में 1999 से राष्ट्रपति शासन आज के दिन से लागू हुआ था। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2009 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि से सम्मानित करने की घोषणा आज के दिन की थी। 1920 में हिंदी फिल्मों के जाने माने नायक खलनायक प्राण का जन्म आज के दिन हुआ था। विजय चौधरी ने संभाला शिक्षा विभाग। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने बीते दिन शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किए जाने की जरूरत है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपना बयान भी जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में कई तरह की परेशानियां हैं, इसके बारे में मैं जानकारी हासिल करूंगा और चाहे शिक्षक नियोजन हो, पुराने शिक्षक की समस्या हो या छात्र अभिभावकों से जुड़े मुद्दे, इन तमाम बातों पर किस तरह बेहतर व्यवस्था हो सकती है उसके लिए शिक्षकों भावकों और छात्रों के साथ मिलकर काम करूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली दौरे पर है, जहां सबसे पहले उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह और JP नड्डा से मुलाकात की थी। वहीं अब उन्होंने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है, जिसके तहत उन्होंने बिहार के विकास कार्यों के बारे में बातचीत की। साथ ही बिहार में विकास कार्यों को गति दिए जाने पर भी विचार विमर्श किया गया है। इसके साथ ही इस बैठक में दोनों के बीच केंद्र सरकार की तरफ से आने वाले समय में बिहार को किन किन क्षेत्रों में सहयोग की जरूरत है, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही जानकारों की माने तो दोनों के बीच केंद्र में होने वाले मंत्री
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई है। सैयद किरमानी ने दी ऋषभ पंत को खास नसीहत। भारत के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके तहत उन्होंने पहली पारी में महत्वपूर्ण 91 रनों की शानदार पारी खेली थी। इतना ही नहीं, ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शानदार पारियां खेली थी। हालांकि ऋषभ पंत के विकेट कीपिंग को लेकर खास नसीहत दी गई है, जिसके तहत भारत के पूर्व विकेट कीपर सैयद किरमानी ने पंत को विकेट कीपिंग पर काम करने की बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत के पास टैलेंट की भरमार है, वो एक गिफ्टेड शॉट प्लेयर है, लेकिन उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, खासकर विकेट कीपिंग को लेकर। इसके साथ ही उन्हें अपने शॉट सिलेक्शन को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए, जैसा कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि किसी विकेट कीपर की क्षमता का तब पता चलता है जब वो आगे खड़ा रहता है। तेज गेंदबाज के खिलाफ विकेट कीपिंग करना हमेशा से आसान रहता है। सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला। सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देसी क्वीन के नाम से मशहूर सपना चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोप के मामले लगाए गए हैं। इसके साथ ही सिर्फ सपना चौधरी के खिलाफ ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में सपना की परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। तेज प्रताप ने पूरे बिहार से भेजा शपथ पत्र। लालू यादव की रिहाई को लेकर यादव परिवार ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास आजाद पत्र भेजने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में बीते दिन तेज प्रताप यादव ने भी बिहार के कोने कोने से लिखे गए आजादी पत्र को राष्ट्रपति के पास भेजा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू यादव को रिहा करने के लिए अब तक 2 लाख पोस्ट कार्ड तेज प्रताप यादव ने इस कैंपेन की शुरुआत में ही छपवाए थे। इसी को बीते दिन महामहिम राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है और लालू यादव की रिहाई की मांग की गई है, जिसके तहत बीते दिन बिहार के कोने कोने से जमा किए गए आजादी पत्रों को दिल्ली भेजने का काम किया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ब्रजेश कुमार, प्रीति कुमारी, गौतम यादव, मोहम्मद इस्लाम, राजेश कुमार, सुधीर कुमार, कुमार अमृत, मोहम्मद नियाज, प्रतीक्षा पॉल, गुलशन अवस्थी, सुभाष कुमार ऑफिशियल, दिव्यांशु कुमारी, दीपक सिंह, मंखुश कुमार, शशि भूषण, दिनेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले की सबसे खास बात क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।